Yeah, good afternoon everyone. This is the continuation video of height and distance, also called applications of trigonometry, class 10th, exercises 9.1. We are starting from question number 7. In our previous video, you can see question number 8, question number 1, 2, 3, and question number 8 as well, right? So in this video, we are discussing 7th, 9th and onwards. Question number 7 says, from a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top of the transmission tower fixed at the top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. तो क्लास ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये ट्रांसमिशन टावर है और बिल्डिंग के ऊपर है. BC जो है वो बिल्डिंग है. फिगर को ध्यान से देखिए, BC जो है बिल्डिंग है और ए बी जिसको मैंने स्मॉल एच माना है वो ट्रांसमिशन टावर है. और टावर ध्यान रखिएगा बिल्डिंग के ऊपर है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. यहाँ कोई पॉइंट है डी जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं. अगर आप बिल्डिंग के टॉप की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है. अगर टावर के टॉप के ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन पूरा 60 डिग्री है. डी सी को मैंने एक्स एज्यूम किया है, ए बी को स्मॉल एच माना है, BC ऑलरेडी 20 गिवन है. अगर AC आपसे पूछी जाए तो वो 20 प्लस H हो जाएगी. ध्यान दीजिए, सबसे पहले ट्रायंगल BDC में लगाया, देखिए 1045 BDC में लगाया. 1045 इज P अपॉन B यानी कि 20 अपॉन X, राइट. आपको पता परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर है BC और बेस है DC. 1045 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. BC जो है वो हमें 20 गिवन है और DC जो है वो मैंने x एज्यूम किया है. तो 1045 की वैल्यू बेटा 1 होती है, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन x. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x आ जाएगा 20 मीटर, राइट. तो x हमारा 20 मीटर आ गया. इसके बाद पूरे ट्रायंगल में लगाया, पूरे ट्रायंगल ए डी सी के अंदर टैन 60 इक्वल टू पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर है ए सी और बेस है डी सी. यहाँ देख सकते हैं टैन 60 इज पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर है ए सी और बेस डी सी जो है वो 20 दिया हुआ है. और ए सी के प्लेस पे आप एच प्लस 20 लिख सकते हैं और बेस डी सी के प्लेस पे आप एक्स लिख सकते हैं, राइट. टैन 60 की जगह रूट 3 लिखिए, ए सी की जगह एच प्लस 20 पूरा, और नीचे डिनोमिनेटर जो है बेस जो है वो x है. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, h प्लस 20 आ जाएगा रूट 3x. x के प्लेस पे 20 पुट कर दीजिए, क्योंकि पहले ही मैंने निकाल लिया था x जो है वो 20 था, तो h प्लस 20 आ गया 20 रूट 3. 20 को राइट साइड पे ले जाइए, h की वैल्यू हमें चाहिए, तो हो जाएगी 20 रूट 3 माइनस 20. 20 कॉमन ले लीजिए, तो h हमें निकालना था, वो आ गया 20 ब्रैकेट रूट 3 माइनस 1 मीटर. ये आपको ध्यान रखना है क्लास. तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई है 20 ब्रैकेट रूट 3 माइनस 1 मीटर. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू, व्हिच सेज द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. I hope आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है. क्लास इस क्वेश्चन में सबसे मेन बात है ये जानना कि टावर बड़ा या बिल्डिंग बड़ी. तो ध्यान रखना टावर को बड़ा लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कहाँ से कि टावर के एक टावर और बिल्डिंग आमने सामने है. टावर की हाइट 50 मीटर दे रखी है, बिल्डिंग की आपको बतानी है. क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अगर आप बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल बड़ा है, और जिसका एंगल बड़ा है वो हाइट भी बड़ी होगी. तो यहां से हमने गैस किया है, क्योंकि ध्यान दीजिए टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से एंगल 60 डिग्री दिया है और बिल्डिंग के टॉप का टावर के फुट से एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है. तो ये सबसे बिगेस्ट हिंट है ये बताने के लिए कि टावर बड़ा या बिल्डिंग बड़ी. तो क्लास हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, बी सी को मैंने स्मॉल एक्स मान लिया है. ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं. सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी के अंदर टेंजेंट 60 डिग्री लगाएंगे, विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी सी.
जैसा कि आप देख सकते हैं tan 60 इज इक्वल टू बी अपॉन बी, परपेंडिकुलर की जगह ए बी, बेस की जगह बी सी, और ए बी हमें 50 दिया हुआ है और बेस हमें x दिया हुआ है। तो वी हैव रूट 3 इज इक्वल टू 50 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, रूट 3 x इक्वल टू 50, x आ गया 50 बाय रूट 3। मैंने काफ़ी बार बताया डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, उसे रैशनलाइज कीजिए, रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 50 रूट 3 बाय 3। इसके बाद दूसरा ट्रायंगल है बी सी डी, बी सी डी में लगाइए प्रॉपर्टी tan 30 इज इक्वल टू पी अपॉन बी। जैसा कि आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर है डी सी और बेस है बी सी, पी अपॉन बी, tan 30 की जगह 1 बाय रूट 3, डी सी की जगह स्मॉल एच और बी सी की जगह स्मॉल एक्स लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स आ जाएगा एच रूट 3 और एच हो गया एक्स अपॉन रूट 3। और क्लास अगर आपको ध्यान हो एक्स की वैल्यू पहले आपने क्या निकाली थी 50 रूट 3 बाय 3, तो x की जगह लिखिए 50 रूट 3 बाय 3 होल डिवाइडेड बाय रूट 3। डिनोमिनेटर में रूट 3 है उसका रेसिप्रोकल कीजिए, 1 बाय रूट 3 हो जाएगा, कट रूट 3 एंड रूट 3, वी आर लेफ्ट विद 50 बाय 3, कन्वर्टेड इनटू मिक्स फ्रैक्शन, आंसर इज 16:2 बाय 3 मीटर। क्लास दैट वाज क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू, इन विच द हाइट ऑफ बिल्डिंग यू वर सपोज टू फाइंड, बिल्डिंग की हाइट आपकी आ गई है 16:2 बाय 3 मीटर। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10th, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो क्लास ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दो पोल दे रखे हैं जिनकी हाइट सेम है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ए बी और सी डी दो पोल हैं जिनकी हाइट सेम है, स्मॉल एच मानी है। एक कोई पॉइंट है सी जहां से आप दोनों पोल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब फर्स्ट वाले पोल की तरफ देख रहे हैं, टॉप की तरफ देख रहे हैं, तो एंगल है 60 डिग्री, और जब सेकंड वाले पोल की तरफ देख रहे हैं तो एंगल है 30 डिग्री, क्योंकि दोनों पोल की हाइट सेम है, तो 60 30 को इंटरचेंज भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस बी सी को मैंने एक्स माना है, ये बी और डी दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस 80 मीटर गिवन है, बी सी अगर एक्स माना है तो सी डी हो जाएगा 80 माइनस एक्स। हमें पोल की हाइट भी बतानी है दोनों की, क्योंकि दोनों की सेम हाइट है, और ये भी बताना है सी पॉइंट जो पहला पॉइंट है ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है वो पोल वन से कितने डिस्टेंस पर है और पोल टू से कितने डिस्टेंस पर है, तो दोनों चीज़ें हमें बतानी है। ध्यान दीजिए, ट्रायंगल एबीसी के अंदर पहले लगा रहे हैं, tan 60 इज पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी सी, तो ये लिखा tan 60 इक्वल टू पी अपॉन बी इक्वल टू ए बी बाई बी सी। tan 60 की वैल्यू आपको पता है रूट 3, ए बी की जगह स्मॉल एच और बी सी की जगह एक्स पुट कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, पहली इक्वेशन आ गई एच इज इक्वल टू रूट 3 एक्स। इसके बाद दूसरा ट्रायंगल है ई सी डी, उसमें लगाइए tan 30 इक्वल टू पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर है ई डी और बेस है सी डी, ये देखिए tan 30 इक्वल टू पी अपॉन बी इक्वल टू ई डी बाई सी डी लगाया है, tan 30 की जगह 1 बाय रूट 3, ई डी की जगह स्मॉल एच और बेस की जगह 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, रूट 3 एच आ जाएगा 80 माइनस एक्स, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कीजिए और h की जगह पे रूट 3 एक्स रख दीजिए, इस वाले h की जगह रूट 3 एक्स आएगा तो ये हो गया रूट 3 इंटू रूट 3 एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, ये हो गया 3 एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, माइनस एक्स को लेफ्ट में ले जाइए 4x इक्वल टू 80 एक्स आ जाएगा 80 बाय 4 यानी कि 20 मीटर। तो क्लास BC हमसे पूछा था, BC यानी कि x आ गया 20 मीटर, और CD भी पूछा था तो वो 80 माइनस एक्स था, तो 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर आ गया। तो BC और CD दोनों हमारे पास आ गए हैं 20 और 60 मीटर रिस्पेक्टिवली। अब हमें h निकालना है, आपको पता है h था रूट 3 एक्स, एक्स की जगह 20 पुट कीजिए तो h आ जाएगा 20 रूट 3 मीटर। तो क्लास ये था क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए। इसके बाद डिस्कस कराना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 पहले। 12th और 13th और 11th तीनों आपके होमवर्क में है, करिए, कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर इसकी भी पिक्स चाहिए रजिस्टर की, प्लीज राइट इट, आई विल अपलोड द पिक्स। क्वेश्चन नंबर 14 रीड करते हैं। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a distance of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree.
आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। यहाँ पर कोई लड़की खड़ी है, देखिए सेम फिगर मैंने बनाया है, बी ई जो है हाइट है गर्ल की 1.2 मीटर, यहाँ ए पॉइंट पे कोई बैलून है जो जिसको वो देख रही है, और पूरा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री आ रहा है जब वो ए पॉइंट की तरफ देख रही है। और पास ले जाइए ताकि फिगर अच्छे से नजर आए। और सेम बैलून उड़ के एच पॉइंट पे चला जाता है, और जब वो लड़की देखती है बैलून के टॉप को तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, मतलब इतना 30 डिग्री है और ये पूरा 60 है। फिगर को बड़े ध्यान से देखिए, मैंने ऐसे नीचे रेक्टेंगल बनाए हैं, बी सी डी ई भी रेक्टेंगल है, सी जी एफ डी भी रेक्टेंगल है, ई डी को वाई माना है, ई डी और बी सी बराबर है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बराबर होती हैं तो ये भी वाई हो गया, और डी एफ और सी जी भी बराबर हैं तो एक्स हो गया। मेन ध्यान देने वाली बात ये है कि बी ई और जी एफ बराबर हैं दोनों 1.2, और ये पूरी हाइट बैलून की अर्थ सरफेस से ये दे रखी है एच एफ, ये पूरी 88.2 दी है, पर अगर आप एच जी और ए सी निकालेंगे तो वो 88.2 माइनस गर्ल की हाइट यानी 1.2 यानी कि 87 आएगा। ये सबसे मेन चीज़ है इस क्वेश्चन में। दो ट्रायंगल साफ साफ दिख रहे हैं आपको, ए बी सी में लगाइए, टैन 60 इक्वल टू पी अपॉन बी यानी कि ए सी अपॉन में बी सी, ये देखिए टैन 60 पी अपॉन बी यानी कि ए सी अपॉन में बी सी, ए सी की जगह 87 और बी सी की जगह मैंने वाई लिखा है। टेन 60 की वैल्यू रूट थ्री लिखी है, रूट थ्री इज इक्वल टू 87 अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, रूट थ्री वाई इज इक्वल टू 87, वाई आ गया 87 बाय रूट थ्री। आपको पता है डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, रैशनलाइज किया है, ये बन जाएगा 87 रूट थ्री बाय थ्री, 329 द 87 यानी कि वाई आ गया 29 रूट थ्री मीटर। इसके बाद दूसरा ट्रायंगल देखिए, एच बी जी, आई रिपीट एच बी जी लगाया, टेन 30 लगाया उसमें पी अपॉन बी यानी कि एच जी अपॉन बी जी, एच जी तो 87 है जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, और बी जी पूरा x प्लस वाई है, टेन 30 की जगह 1 बाय रूट थ्री इक्वल टू 87 अपॉन x प्लस वाई लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई की x प्लस वाई आ गया 87 रूट थ्री, वाई की वैल्यू पहले ही आपने निकाल ली थी 29 रूट थ्री, तो x आ जाएगा 87 रूट थ्री माइनस 29 रूट थ्री यानी कि 58 रूट थ्री। उन्होंने पूछा था बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ए एच ट्रैवल किया है जो कि सी जी और डी एफ के बराबर था यानी कि एक्स था, तो आंसर आ जाएगा 58 रूट थ्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास, बड़े अच्छे से करना, सबसे मेन है फिगर, अगर फिगर ही गलत बना, वैसे इसका तो फिगर गिवन है पर फिगर सबसे मेन होता है, फिगर ही रॉन्ग है तो सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा। ये तीनों ही क्वेश्चन 14, 15 और 16 तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 रीड कर देता हूं आपके लिए, A straight highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach to the foot of the tower from this point. Figure को अच्छे से देखिए, ये कोई highway है, नीचे जमीन पर है highway, और ये कोई tower है DC जिसकी height मैंने H मानी है। डिप्रेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, कार है जो ए पोजीशन से बी पोजीशन तक आ रही है तो एंगल डिप्रेशन का चेंज हो रहा है 30-60। मैंने आपको एक बात सिखाई है, एलिवेशन के केस में हमेशा टावर के पास वाला एंगल बड़ा होगा, जैसे टावर से दूर होते जाओगे एंगल छोटा होता जाएगा, तो ये 30 या 60, फिर अकॉर्डिंगली ऑल्टरनेट इंटीरियर मार्क कर लेना। डिप्रेशन में ये होता है, कार को ए से बी तक आने का समय 6 सेकंड है, हमें बी से सी तक जाने का समय बताना है कितना लगेगा। ए बी को मैंने एक्स माना है, बी सी को वाई माना है, पूरा ए सी जो है वो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए, डी बी सी में लगाया है, टैन 60 इक्वल टू पी अपॉन बी यानी कि डी सी अपॉन बी सी, डी सी है स्मॉल एच और बी सी है वाई, टेन 60 इज इक्वल टू एच अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एच आ जाएगा रूट थ्री वाई। इसके बाद पूरे ट्रायंगल डी ए सी में लगाया है, टेन 30 इज इक्वल टू पी अपॉन बी यानी कि डी सी अपॉन ए सी, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए, डी सी अपॉन ए सी, टेन 30 की जगह 1 बाय रूट थ्री, डी सी की जगह स्मॉल एच,
और एसी की जगह पूरा एक्स प्लस वाई। एच की वैल्यू रूट थ्री वाई आई थी इक्वेशन नंबर वन से, वो इसमें डाल दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री वाई, वाई को राइट में ले जाइए, एक्स इक्वल टू टू वाई, वाई आ जाएगा एक्स बाय टू। अब यहां से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिए। डिस्टेंस स्पीड इन टू टाइम, सबसे पहले ए बी डिस्टेंस की बात करेंगे। डिस्टेंस ट्रैवल हुआ ए बी, स्पीड कार की सेम रही है वी मानी हमने, और टाइम लगा टी ए बी जो कि 6 सेकेंड दिया हुआ था, और ए बी हमने एक्स माना था, तो यहां से वी की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन 6 यूनिट पर सेकेंड, क्योंकि ये नहीं बताया स्पीड किलोमीटर पर आर में है या मीटर पर सेकेंड में, तो वी आ गया एक्स अपॉन 6 यूनिट पर सेकेंड। अब सेम डिस्टेंस बी सी का देखिए, फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम। डिस्टेंस इस बार ट्रैवल हुआ है बी सी, स्पीड है वी और टाइम लगा टी बी सी, टी बी सी हमें निकालना है। बी सी की वैल्यू वाई थी, वी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी एक्स अपॉन 6 थी, टी बी सी हमें निकालना है। वाई की जगह इक्वेशन नंबर वन से आप लिख सकते हैं, वाई की जगह पे एक्स बाय टू, एक्स बाय 6 लेफ्ट में आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 3 6 एक्स से एक्स कट, यानी कि टी बी सी 3 सेकेंड हो गया। उन्होंने हमसे यही पूछा था कि बी सी डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, यानी कि 3 सेकेंड लगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास, मैं रिपीट इसलिए नहीं कराता लाइव वीडियो में क्योंकि आपको पता है अगर आपको देखना है तो रिवाइंड करके देख सकते हैं दोबारा से भी। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, इट सेज द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर एंड आर इन सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टॉवर इज 6 मीटर। ये क्वेश्चन भी मैंने कर रखा है, ध्यान दीजिए क्लास। इसमें एक टॉवर दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, एक टॉवर दे रखा है एच, एक पॉइंट सी है जहां से डिस्टेंस टॉवर का 4 मीटर है, एक पॉइंट डी है जहां से डिस्टेंस 9 मीटर है। एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है एलिवेशन के, यानी कि अगर ये सी पे एंगल ए सी बी को थीटा माना है तो ये 90 माइनस थीटा है। हमें प्रूव करना है टॉवर की हाइट जो है वो 6 मीटर है। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी में लगाइए, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी यानी कि एच अपॉन 4 जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर ए बी डी में लगाइए, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी यानी कि ए बी अपॉन बी डी, और पहले में लगा था ए बी अपॉन बी सी। ए बी की जगह एच, बी डी की जगह पूरा 9 दिया हुआ है। टेन 90 माइनस थीटा आपको पता है कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा इज एच बाय 9, इक्वेशन 2 आ गई। दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, इक्वल टू एच बाय 4 इंटू एच बाय 9, 1 इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 36, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एच स्क्वायर आ जाएगा 36, यानी कि एच आ जाएगा 6 मीटर। इसके बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि अगर सी बी दिया हुआ हो स्मॉल ए मीटर और बी डी दिया हुआ है स्मॉल बी मीटर, तो आपको बताना है एच इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ये इसी के साथ सेम क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ क्लास, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 आपके लिए छोड़े हैं क्लास। दिस वाज फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1, फ्रॉम आरडी वी विल डू दैट चैप्टर वेरी सून। थैंक यू।